नोएडा प्राधिकरण में तैनात लेखपाल के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल किसानों ने लेखपाल मनोज सिंघल पर पैसे लेकर काम करने का आरोप लगाया है। गुस्साए किसानों ने नोएडा प्राधिकरण के स्वागत कक्ष को बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए, जिसके कारण लोगों को वापस लौटना पड़ा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन किसान लेखपाल पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे और किसानों ने सीईओ से लेखपाल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। आप देख सकते हैं कि जिस अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से आप एक ऑडियो में देख सकते हैं कि 12,000 की आरोपित कर रहे हैं कि 12,000 रुपये ले रखे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास 5,000 खुद पुष्टि कर रहे हैं। उसके बाद एक वीडियो में आपके मीडियम के माध्यम से ही पता चला कि उसमें 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए वो खुलेआम दिख रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य साक्ष हमारे पास हैं, वीडियो भी हमारे पास और अन्य वीडियो भी हैं जिसमें लेखपाल रिश्वत लेते हुए खुलेआम नजर आ रहे हैं। अभी पिछले 10 दिनों से जो है सोशल मीडिया पर और व्यक्तिगत लोग यहाँ मिले और लेखपाल मनोज सिंघल जो नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत है उसके भ्रष्टाचार की वीडियो जो है इंटरनेट पर प्रसारित हैं। अभी 4 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन मंच ने सीओ साहब को ज्ञापन दिया था, लेखपाल को यहाँ से हटाने की मांग करी थी, लेकिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। राम राज्य में भी 15 दिन बीत जाने के बाद यहाँ भ्रष्ट लेखपाल पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अंदर जो है ना तो सीओ साहब हैं ना उनके स्टाफ में ओएसडी तक कोई बैठा हुआ है।